तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से भी प्राप्त हो जाती है अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो, या फिर अगर बच्चे का जन्म घर पे हुआ है या फिर किसी और स्थान पे हुआ है तो उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे के जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस फॉर्म को अपने फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर अभी अपना डेस्कटॉप को यूज़ कर रहा हूँ। तो आने के बाद आप यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे CSC बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका जो है CRSOORGI करके एक वेबसाइट आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करना है। अपना रजिस्ट्रेशन मतलब न्यू आईडी लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपने लॉगिन आईडी को क्रिएट करना है। तो यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल को फिल करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको सबसे पहले अपना यूज़र नेम देना है और यूज़र मेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद अपने जिस दिन आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप उस दिन वहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारा चीज़ को फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे से अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। और स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर विलेज या जो टाउन है वहाँ पे आपको टाइप करना है या फिर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से मैं अपना विलेज और टाउन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन यूनिट को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे कि ये कैप्चा शो हो रहा है, एज इट इज़ आपको कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर जो है रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो है इस प्रकार जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको जो मेल आईडी है जो आपने दिया था वहाँ पे आपको एक लिंक सेंड किया गया है, वहाँ पे आप जा करके इस लॉगिन आईडी को आप एक्टिवेट करेंगे। तो मैं अपना यहाँ पे मेल आईडी पर आ जाता हूँ। मेल आईडी में आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा है वो यूज़र आईडी यहाँ पे शो हो रहा है और मेरा लॉगिन आईडी यहाँ पर भी शो हो रहा है। और क्लिक कर हेयर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उसे एक्टिवेट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमें जो लॉगिन आईडी है इसे यहाँ पे कॉपी कर लेना है क्योंकि इसी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एक अपने मन से अच्छा सा जो कोई पासवर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने से यहाँ पर कोई अच्छा पासवर्ड कैरेक्टर में टाइप कर लेंगे और नीचे में भी कन्फर्म पासवर्ड को वैसे ही टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहा है वो कैप्चा एज इट इज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर शो हो रहेगा यूज़र पासवर्ड जो है सक्सेसफुल आपका हो चुका है। तो आप यहाँ पर जो यूज़र आईडी आपने कॉपी किया था वो यूज़र आईडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा जो ऊपर में शो हो रहा है एज इट इज़ आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में बर्थ का जो ऑप्शन है वो वहाँ पर जाना है। तो बर्थ के ऑप्शन में जाने के बाद ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज में आपका एक लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्टेड है और आप चाहे तो सेकेंडरी लैंग्वेज में आप अपने हिंदी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बन जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर अपने पसंद से अपने फॉर्म का कोई भी एक नंबर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैं 00 करके 1 टाइप कर लेता हूँ। और करने का तो यहाँ पर आप जिस दिन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस दिन आप यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने किस दिन इस फॉर्म को फिल किया है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, बच्चे की सूचना में आपने जो बच्चे का सारे डिटेल को आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो जैसे फर्स्ट में डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट में अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। उसके जेंडर को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ नीचे में फुल डिटेल को फिल करेंगे। अगर बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे।
उसके बाद सारे डिटेल को फिल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इंग्लिश में सेलेक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ पर उसके नाम को हिंदी में भी यहाँ टाइप कर लेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करने के बाद आप यहाँ पर नीचे में आएंगे और नीचे में ई आई डी नंबर जो है यहाँ पर अपने टाइप कर लेंगे, और अगर आधार कार्ड नंबर बन गया है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे या फिर इसे छोड़ देंगे। उसके बाद जन्म स्थान में अगर घर पर हुआ है बच्चे का जन्म तो यहाँ घर लिख कर टाइप कर सेलेक्ट करेंगे या फिर अदर सेलेक्ट करेंगे। तो घर सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पे उसके एड्रेस को यहाँ पर फुल फिल करेंगे। उसके बाद पिता की सूचना में यहाँ पर पिता का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम सब दे देंगे, और उसके नीचे भी आप हिंदी में यहाँ पर टाइप कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ पे पिता का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर, मेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर को टाइप कर लेंगे। उसके बाद माता की सूचना में माँ का जो नाम है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद उनके हिंदी में भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर में माँ का जो आधार नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। करने के बाद बच्चे के जन्म में माता पिता का जो पता था वो कहाँ था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इंडिया में था तो इंडिया में सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद जो एड्रेस है वो फुल एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का स्थान, यहाँ पर सारा मैंने डिटेल को सेलेक्ट कर लिया है, टाइप कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं कि स्थायी पता माता पिता का अगर सेम है ऊपर में जो आपने फिल किया है तो आप यहाँ पर जो नीचे में टिक का बटन है यहाँ पर टिक कर देंगे, तो आपका एज इट इज़ जो ऊपर में आपने फिल किया वो यहाँ पर भी फिल हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे और सूचनादाता में आप इसे टिक करेंगे, और टिक कर लेने के बाद आप एक बार इस डिटेल को अच्छे से चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद आप यहाँ जो नीचे का ऑप्शन है सेव उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं कि माँ का जो निवास स्थान है वो वहाँ पे सेलेक्टेड है। अगर आपको यहाँ पे कोई गलती लगती है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे एज इट इज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद पिता और माँ की जो सूचना में है तो वहाँ पर आप सबसे पहले अपने रिलीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पिता की जो शिक्षा स्तर है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उनके एक्यूपेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर की जो शिक्षा स्तर है वो यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप उनके एक्यूपेशन को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी माता, उनकी माता कोई भी वर्क नहीं करती है तो आप यहाँ पर गैर कामगार को भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले माँ की जो उम्र है आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आपका जो सेकेंड ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको माँ की उम्र कितनी थी जब उन्हें पहले बच्चों को जन्म दिया था, तो यहाँ पर उस उम्र को यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद थर्ड ऑप्शन में हमें बच्चे का कितना बच्चे हैं उस माँ की उसे वहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आपके डॉक्टर की मदद से हुआ है या फिर ट्रेडिशनल तरीके से हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद अगर ट्रेडिशनल तरीके से है तो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल को सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद बच्चे का जो वेट है जन्म के समय कितना था वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। नीचे गर्भधारण कितने समय का था वो आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, जहाँ पे आपको इस प्रकार का दिख जाएगा। उससे आप प्रिंट करके यहाँ पर सारे डिटेल को फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप उनके फादर के सारे डिटेल को फिल करेंगे, और नीचे के सारे डिटेल को फिल करने के बाद आप यहाँ पर मदर के सिग्नेचर विथ नेम और यहाँ पर फादर के सिग्नेचर को डाल के आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप PDF, JPG किसी भी फॉर्मेट में इसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अपलोड कर दिया। उसके नीचे आपको एक रिमार्क का ऑप्शन है, अगर बच्चे का कोई रिमार्क है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप यहाँ फाइनली सबमिट यानी सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू पेज दिख जाएगा जहाँ पर आपको सारा डिटेल आपको शो हो रहा है जो आपने फिल किया। अगर आपको यह लगता है कि सारा डिटेल आपका सही है आप एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको यह गलत लगता है तो आप यहाँ इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सारा सही है तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे नीचे में आपको एक एड्रेस शो हो रहा होगा। उस एड्रेस पे आपके गार्जियन के सारे डिटेल के साथ जो आपके बच्चे का जन्म हुआ उसके साथ कोई भी पेपर है तो उसे आप यहाँ पर जा करके आपको जमा करने होंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने इस यह वीडियो में बच्चे का जन्म से 21 दिन के अंदर आपने अगर नहीं बनाया है उसका जन्म प्रमाण पत्र, वही मैंने
बताया है। अगर बच्चे का जन्म 21 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आप इस मेथड से उसे नहीं बना सकते। उसके लिए मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे 21 दिन के बाद के बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे आप उससे चेक कर सकते हैं कि जो डिटेल आपने भेजा है उसके बाद आपका अप्रूव कहाँ तक हुआ, या फिर रिजेक्ट हुआ, या फिर अप्रूव हो चुका है। तो अपने आईडी पासवर्ड को लॉगिन ही रहने देंगे और बर्थ में आकर एप्लीकेशन अंडर सबमिट में जाएंगे। जाने के बाद आपका जो डिटेल है आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि आपका कहाँ तक अप्रूव हो चुका है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप यहां से बर्थ में आएंगे और रिजेक्ट एप्लीकेशन में टाइप करेंगे, तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको यहां से दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से बच्चे का एक जन्म से 21 दिन के अंदर आप उसके बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हैं अगर बच्चे का जन्म घर पे ही हुआ है तो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। अब आपसे हम मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर किसी नेक्स्ट वीडियो में।